ट्विटर एक ऐसा ऐप है जो कि अपने यूजर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे वो अपने विचार, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और जोक्स को शेयर कर सकता है। ट्विटर सोशल नेटवर्किंग का एक अहम हिस्सा है। सोशल नेटवर्किंग आज जमाने की ज़रूरत है। यही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अपनों से जोड़ता है। दिन ब दिन ट्विटर का यूज़ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या आप जानते हैं ट्विटर के लोगों में जो पक्षी है वो कौन सी पक्षी है, और इसके लोगों में इसी पक्षी को क्यों रखा गया है? आखिर ट्विटर की खोज कब और किसने की? ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, नीरज दवर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्विटर का यूज़ करने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद अमेरिका में है। ट्विटर की सेवा इंटरनेट पर 2006 में आरंभ की गई थी। इस ट्विटर का फुल फॉर्म है टैपिंग व्हाट आई एम थिंकिंग दैट एवरीवन्स रीडिंग। इसकी खोज मार्च 2006 में जैक डोर्सी, नोह ग्लास, बीजी स्टोन और इवान विलियम्स ने की थी। ट्विटर को हम एक ऑनलाइन न्यूज़ और सोशल नेटवर्किंग साइट भी कह सकते हैं जिसका यूज़र्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। ट्विटर के लोगों में एक पक्षी दिखाई देता है। इस पक्षी का नाम लैरी बर्ड है। आज पूरी दुनिया इस छोटी सी नीले रंग के बर्ड से रूबरू हो गई है। ये बर्ड ट्विटर का एक संकेतक है। ये ट्विटर बर्ड कंपनी की ब्रांडिंग के रूप में यूज़ किया जाता है। यह बर्ड हर जगह उपलब्ध है और ट्विटर कंपनी से लगातार जुड़ी हुई है। ट्विटर का मूल लोगो केवल ट्विटर शब्द था जो 2006 में लॉन्च किया गया था। यह एक बर्ड की छवि के साथ था जिसे बाद में एक टुकड़ा माना गया था। क्लिप आर्ट ब्रिटिश ग्राफिक डिजाइनर द्वारा बनाया गया। साइमन ऑक्सले संस्थापक बिन स्टोन द्वारा डिजाइनर फिलिप पास्कुजो की हेल्प से एक नए लोगो को फिर से डिजाइन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2009 में एक कार्टून जैसा पक्षी आया। इस संस्करण को विशेष रूप से लैरी द बर्ड नाम दिया गया। इसके अलावा ट्विटर का नाम पहले ट्विच रखा गया था, बाद में ये इवॉल्व होकर ट्विटर बन गया। ट्विटर अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव माध्यम है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।